हाय एवरीवन, गीत कुकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल में चटपटा भिंडी दो प्याजा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे 250 ग्राम भिंडी ली है, यहाँ पे एकदम फ्रेश भिंडी यूज कर रहे हैं हम। 3 बड़े प्याज और 3 टमाटर लेना है। एक टमाटर को हमें बड़ा कट करना है, 2 टमाटर का पेस्ट बनाना है। सबसे पहले हम भिंडी को कट करेंगे। भिंडी का साइज इसी तरह से रखना है, ज्यादा छोटा साइज नहीं रखना है, थोड़ा बड़ा साइज के में ही भिंडी को हमें कट करना है। ये देखिए इसी तरह से। अगर बड़ी भिंडी है तो आप उसके 3 पार्ट में उसको कट कीजिएगा। और जिस तरीके से हम कढ़ाई पनीर बनाते हैं उसमें प्याज जितनी बड़ी हम यूज करते हैं, सेम उसी तरीके से प्याज हमें कट करनी है, थोड़ी बड़ी बड़ी, और इसके लेयर को हमें अलग कर देना है। इसी तरह से देखिए, इसी तरह से हमें सारी प्याज को कट करना है। अब हम टमाटर को कट करेंगे। एक टमाटर को हम बड़ा बड़ा कट करेंगे और 2 टमाटर का हमें पेस्ट बनाना है। इसी तरह से हमें टमाटर को भी बड़ा बड़ा कट करना है और इसके सीड्स को हमें निकाल देना है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से आप भी कट कीजिएगा। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और फ्लेम को हमें रखना है लो टू मीडियम। हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीबन ऑयल लिया है और सबसे पहले हम भिंडी को फ्राई करेंगे। भिंडी को हमें सिर्फ 2 से 3 मिनट तक ही फ्राई करना है, ज्यादा फ्राई नहीं करना है। हमारी भिंडी अच्छे से पक गई है, बस हमें 2 से 3 मिनट तक ही इसको फ्राई करना है। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। अब हम प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे और फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पे हमें नहीं फ्राई करना। और इसी तरह से हम इसे चलाते रहेंगे और हल्का ब्राउन होने तक ही हमें इनको फ्राई करना है, जलाना नहीं है। और हमें प्याज को लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सौते करना है और इसी तरह से हमें इसे चलाते रहना है। और देखिए हमारी प्याज है उसका कलर चेंज हो गया है। देखिए अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। बस इसी स्टेज पे हमें इसको ट्रांसफर करना है, ज्यादा नहीं पकाना है प्याज को। अब हम फिर से 2 टेबल स्पून के करीबन ऑयल लेंगे, हींग 1 पिंच, जीरा 1/4 टेबल स्पून, अजवाइन को हाथ से रगड़ के हमें इसमें ट्रांसफर करना है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अच्छे से इसको पकाने के बाद हम इसमें चॉप्ड ऑनियन लेंगे। यहाँ पे हमने एक प्याज को बहुत छोटा छोटा कट करके रखा था और एक ड्राई चिली लेनी है, सूखी लाल मिर्च, और इसको तोड़ के हमें इसमें ट्रांसफर करना है। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना है। और इसे इसी तरह से हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, हल्का ब्राउन होने तक हमें इसे पकाना है। 1 टेबल स्पून के करीबन अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसे भी हमें अच्छे से पकाना है प्याज के साथ ही। अब हम कसूरी मेथी लेंगे, इसको भी हाथ से रगड़ के हमें इसमें ट्रांसफर करना है और इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है इसी तरह से। और जब हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए तभी हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 1/2 कप के करीबन टमाटर का पेस्ट लिया है, 2 टमाटर को हमने अच्छे से ग्राइंड किया है। अब हम कुछ मसाले इसमें यूज करेंगे, हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून। चटपटा बनाना है ना हमको, तो आप फिर कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं 1 टेबल स्पून।
और अच्छे से हम इन मसालों को चलाएंगे और इनको अच्छे से हमें पकाना है मसाले को, जब तक मसाला हमारा तेल ना छोड़ने लगे। और हल्की आंच पे अब हम इस फ्लेम को लो कर लेंगे, लो फ्लेम पे ही हमें मसाले को तैयार करना है। ये देखिए हमारा जो मसाला है अच्छे से ऑयल छोड़ने लगा है, मतलब हमारा मसाला बनके तैयार है। जब हमारा मसाला बनके तैयार हो जाए ना, तभी हम दही को इसमें यूज़ करेंगे। दही को हमें अच्छे से फेंटना है, एकदम फ्रेश दही का यूज़ करना है, तो हमारी भिंडी दो प्याजा बहुत ही अच्छी बनेगी। और जब हमारा ये मसाला अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा, तभी हम इसमें नमक का इस्तेमाल करेंगे। नमक का इस्तेमाल हमें पहले नहीं करना है, नमक का इस्तेमाल एकदम लास्ट में करना है, क्योंकि दही कभी कभी बोलते हैं फट जाता है, तो थोड़ा अजीब सी ग्रेवी हो जाती है। तो आप नमक का इस्तेमाल लास्ट में ही कीजिएगा। और अब एक मिनट के लिए इसको ढककर पकाएंगे। ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से ऑयल छोड़ने लगा है। जब मसाला ऑयल छोड़ने लगे, तभी हम भिंडी को इसमें ट्रांसफर करेंगे और टमाटर जो कट किया था उसे लेना है। और अब अच्छे से हम इसको चलाएंगे। अच्छे से चलाने के बाद हम इसमें नमक को ऐड करेंगे। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, जैसा भी आप नमक लेते हो। अब इसके बाद हम इसे अच्छे से चलाने के बाद और एक मिनट के लिए हम इसे ढककर और पकाएंगे। और उसके बाद जो थोड़े से मसाले बाकी हैं उनको भी हम यूज करेंगे। बस हम एक मिनट के लिए हम इसको ढककर और पकाएंगे। काला नमक 1/4 टेबल स्पून, गरम मसाला 1/4 टेबल स्पून और चाट मसाला 1/4 टेबल स्पून। चाट मसाला से क्या होगा, जो हमारा भिंडी दो प्याजा का फ्लेवर है बहुत ही अच्छा हो जाना है, तो आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अब धनिया पत्ती, और बस एक मिनट के लिए हम ढककर और पकाएंगे और हमारा भिंडी दो प्याजा बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए भिंडी दो प्याजा बनके तैयार है। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे या एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। ऊपर से धनिया पत्ती की गार्निशिंग करेंगे, पूरी के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ आप इसको सर्व कीजिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।